गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज मैं आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझा रही हूँ। सर्वप्रथम पहचान जाने, हिंदी के वाक्य के जो मेन क्रिया होती है, मुख्य क्रिया, उसके अंत में रहा है, रही है, आदि आते हैं। सहायक क्रियाएं इस टेंस में इज, आर और एम होती है, और मेन वर्ब में आईएनजी जोड़कर इस वाक्य का ट्रांसलेशन करते हैं। जानते हैं इच का प्रयोग कब होता है? इच का प्रयोग जितने भी सिंगुलर सब्जेक्ट होंगे आपके, उनके साथ इच का प्रयोग होगा। अभी मैं उदाहरणों के साथ उसको एक्सप्लेन करूंगी। और आर का प्रयोग प्लुरल सब्जेक्ट के साथ होता है, और एम का प्रयोग केवल आई के साथ ही होता है। और बच्चों, प्रेजेंट कंटिन्यूअस को प्रेजेंट इम्परफेक्ट, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या हिंदी में वर्तमान सतत काल भी कहा जाता है। आइए बच्चों, थोड़ा कुछ और जानते हैं। जैसे ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का प्रयोग कब होता है? जब कोई वाक्य प्रेजेंट टेंस में अधूरा रहता है, मतलब अधूरा इट मीन्स इम्परफेक्ट रहता है और सतत चलता रहता है, कंटिन्यूअस रहता है हमेशा, तब हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। अब चलते हैं वर्ब पैटर्न की तरह, किस प्रकार से सेंटेंस का स्ट्रक्चर रहता है। अफर्मेटिव सेंटेंस में देखें बच्चों, सब्जेक्ट प्लस इज ऑब्लिक एम प्लस ऑब्लिक आर ऑब्लिक प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। आप उदाहरण को भी समझ सकते हैं। सुनैना आपका सब्जेक्ट, इज सुनैना के अनुसार सिंगुलर सब्जेक्ट साथ इज क्रिया आई, और रीडिंग मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में रीड में आईएनजी लग गई, और ऑब्जेक्ट आपका अ बुक हो गया। इसी तरह से बच्चों, नेगेटिव सेंटेंस को भी हम समझते हैं। आपका बस आपकी क्रिया के बाद में नॉट लगना है, स्ट्रक्चर लिखा है कॉपीज में, आप ये सारी चीजें नोट करते चलें जिससे कि ये आप हमेशा के लिए आपको याद हो जाएं। सुनैना, फिर इज, फिर क्रिया के बाद में और मुख्य क्रिया से पहले नॉट का प्रयोग करते हैं, और रीडिंग आईएनजी लगाते हैं। किसी भी कॉन्टिन्यूस टेंस जो आप ट्रांसलेट करेंगे तो उसमें मेन वर्ब में आईएनजी लगाना कभी ना भूलें, क्योंकि रहा है, रही है, वाक्य में अगर है तो मेन वर्ब में आईएनजी जरूर लगेगी। चलते हैं इंट्रोगेटिव वाक्य की तरफ। इसमें ये यस नो टाइप ऑफ क्वेश्चन है। सर्वप्रथम जब किसी भी टेंस की सहायक क्रियाएं सर्वप्रथम आकर क्या का अर्थ बोध कराती हैं, जैसे आप देखें इज सुनैना रीडिंग अ बुक, तो क्या सुनैना एक किताब पढ़ रही है? तो क्या जब वाक्य किसी आरंभ में आता है तो हम उस टेंस की सहायक क्रिया को ही आगे रखकर क्या का अर्थ निकालते हैं। अब चलते हैं इंट्रोगेटिव वर्ब फैमिली, मतलब क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होने वाले, तो इसको डबल इंट्रोगेटिव भी कहते हैं बच्चों। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज आर एम इस टेंस की सहायक क्रियाएं हैं, प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। जानते हैं जैसे है कि उसी बात को मैंने क्वेश्चन में बदल दिया कि वाई इज सुनैना रीडिंग अ बुक, तो वाई क्वेश्चन वर्ड, फिर उसके बाद में क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद में सहायक क्रिया भी रखी जाएगी। अगर नहीं रखेंगे तो ये वाक्य गलत हो जाएगा। निगेटिव इंट्रोगेटिव, आप चलते हैं क्वेश्चन वर्ड। अब बच्चों, निगेटिव इंट्रोगेटिव में आपके यस नो टाइप में भी आ सकते हैं, वो फैमिली से भी आ सकते हैं। मुख्य बात आपको याद रखनी है कि क्वेश्चन वर्ड आया है तो ठीक है, और इज आर एम आया तो भी ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा, फिर उसके बाद में मुख्य क्रिया का प्रयोग होगा, बस यही स्ट्रक्चर चलेगा। मान लीजिए अगर यस नो टाइप है तो ये क्वेश्चन वर्ड नहीं होगा, इज आंस शुरू होगा, लेकिन आपका स्ट्रक्चर इसी प्रकार से बनेगा। जैसे इज सुनैना नॉट रीडिंग ए बुक, तो आपका सेंटेंस हो गया क्या सुनैना किताब नहीं पढ़ रही है, और ऊपर वाई सुनैना नॉट रीडिंग ए बुक, सुनैना किताब क्यों नहीं पढ़ रही है। अब बच्चों चलते हैं हिंदी वाक्य समझते हैं। अभी तक जो भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है आप उसको लागू करते हैं। जैसे आप सेंटेंस पढ़ते हैं, मैं दीवार पर देख रहा हूँ, तो मैं आपका आई, इसका मैकिंग इंग्लिश होती है आई, और मैंने आपको पहले बताया था भी कि आई के साथ एम का प्रयोग होगा। फिर आपकी देख रहा हूँ, तो इसकी इंग्लिश क्या होती है, लुक, लुक में आई एन जी लगी रहा है ना, आई एन जी जरूर लगाएं। और दीवार पर, एट द वॉल, इस कमेंट्स बॉक्स में देखें, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है बच्चों, इस पर ध्यान दें। अब नेक्स्ट बात देखें, वह अब नहीं सो रहा है, तो वह क्या होता है, थर्ड पर्सन है ये आपका प्रोनाउन का थर्ड पर्सन ही, और सिंगलर है तो इज का ही प्रयोग हुआ, और मुख्य क्रिया से पहले नॉट लगाया, स्लीपिंग नाउ। ये बच्चों आप कमेंट बॉक्स में नेगेटिव सेंटेंस मेंशन है, इस पर ध्यान दें, अपने कॉपीज में नोट कर लें। क्या रोहन गेंद फेंक रहा है? अब ये बात आपका
इंट्रोगेटिव है लेकिन यस नो टाइप वाला है। क्या रोहन गेंद फेंक रहा है, मतलब क्या, अब हम क्या की अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाएंगे, क्या की अंग्रेजी चूंकि वाक्य के आरंभ में आया है तो क्या के लिए हम इज लगा देंगे, और फिर रोहन और गेंद फेंकना कहते हैं बाउलिंग, है ना। तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया सिंपल इंट्रोगेटिव। तो और क्वेश्चन मार्क लगाना बिल्कुल ना बोलें, क्या तुम मेरी मदद नहीं कर रहे हो, तो आर यू नॉट हेल्पिंग मी। तो ये आपका इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी हो गया बच्चों। तुम आज क्यों रो रहे हो, तो वाई आर यू क्राइंग टूडे। आप मतलब वही डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो गया, इसमें क्वेश्चन वर्ड भी है और हेल्पिंग वर्ब भी है, तो इन दोनों की क्रिया से इसको हमने बनाया है, तो इसको डबल इंट्रोगेटिव की श्रेणी में रख सकते हैं बच्चों। और इसके साथ में ही आपके नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मैंने आज एक्सप्लेन किया है, और नेक्स्ट वीडियो में आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस मिलेगा, इसलिए वीडियो से लगातार जुड़े रहें एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स।